समुद्र के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। समुद्र पृथ्वी की सतह से 70% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्र के पानी की विशेषता इसका खारा या नमकीन होना नहीं है। पानी को यह खारापन मुख्य रूप से ठोस सोडियम क्लोराइड द्वारा मिलता है। समुद्र में लहरें पृथ्वी के घूमने के कारण रुकती हैं, जबकि समुद्र के पानी पर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का काम करता है। माना जाता है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 5 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ है। क्या सचमुच समुद्र में मत्स्य, मानव, नाग, कन्या या जलपरियां रहती हैं? दुनिया भर की लोक कथाओं में इन जलपरियों के बारे में बहुत सी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन की एक पत्नी जलपरी ही थी। कुछ वर्ष पूर्व अमरीकी महासागर में एक इसी तरह की मत्स्य कन्या पाई गई थी। हालांकि उसे निकालने के पूर्व ही वह दहशत के कारण मर गई थी। अखबारों में इसके चित्र भी छपे हैं। हालांकि यह खबर कितनी सच थी यह कोई नहीं जानता। अंटार्कटिका समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमुंडा त्रिभुज कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बरमुंडा त्रिभुज में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से कोई सुराग न छोड़ते हुए अदृश्य हुए हैं। जीवन के उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले महासागर में ही हुई थी। समुद्र के 1 लीटर पानी के 13 बिलियन हिस्से में 1 ग्राम सोना मिलता है। समुद्र जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब भी बारिश होती है बादल समुद्र से ही जल भर कर लेकर आते हैं। समुद्र के अंदर असंख्य जीव रहते हैं, यही है समुद्र की खासियत।